हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। एंटरटेनमेंट है भाई, रातों रात जो है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो आजकल की दुनिया में ऐसा हो गया है कि अगर आपने हैप्पी एंडिंग भी नहीं की तो भी आपके शो को बंद कर दिया जाता है। या ये कहें कि फैंस सोचते हैं इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई, फिर उस शो के बारे में सर्च करते हैं, फिर कहते हैं यार प्लीज़ आप जल्दी से जो है इसका नया सीज़न ले आइए। भैया पहला क्यों बंद हुआ है? वजह है टीआरपी। टीआरपी देखने के लिए हर कोई अब बेताब रहने लगा है। जितना सोशल मीडिया एक्टिव होता जा रहा है, टीआरपी की क्रेज़ उतना ज़्यादा होता जा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सोच लें कि भैया हमारे शो की टीआरपी नहीं आ रही है, तो वो क्या करते हैं? अब तो बच्चा बच्चा बता देगा, भैया लीप देते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल इस हफ्ते शो की टीआरपी अच्छी ना आने की वजह से इशारा जो है लीप की तरफ आ रहा है। ऐसे में अभी तो लीप दिया ही था, अभी तो पूरी कहानी बदली ही थी, अचानक से क्यों? क्या करें भाई, आप स्टोरी ही नहीं ला रहे हैं। ऐसे में जब आप स्टोरी दमदार लाएंगे तो टीआरपी तो खुद ही निकल जाएगी, लेकिन आज की दौर में टीआरपी अच्छे शो की भी नहीं निकल पाती है। तो ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ तीन शो की। एक आपका जी टीवी का भाग्य लक्ष्मी, दूसरा स्टार प्लस का इमली एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है। तीनों में ही आप लीप देख चुके हैं, किसी में 5 साल का, किसी में जनरेशन लीप का, किसी में चौथी जनरेशन का। अगर सबसे पहले मैं बात करूं भाग्य लक्ष्मी की, स्टोरी किसी को पसंद नहीं आ रही है, फैंस बोर हो गए हैं, प्रोमो आ रहा है शायद ऋषि और लक्ष्मी एक साथ मिल जाए, बच्ची की वजह से, पार्वती की वजह से ही मिल जाए, जहां लक्ष्मी देख ले ऋषि को। ऐसे में जो है टीआरपी इतना धमाल नहीं मचा पा रही है। गूगल की माने तो 1.2 1.3 टीआरपी बता रहा है। बात करते हैं आपकी इमली की। इमली की टीआरपी जो है बढ़ाने के लिए गुलखान ने पूरी स्टोरी बदल दी, जहाँ पे जो है सूर्या की फैमिली को दिखाया जा रहा है, चौधरी फैमिली पूरी ख़त्म कर दी, जो लास्ट शूट करके सेट पर से जा चुकी है। शो जो है अप्रैल में ही बंद होने की नौबत आ रही है। अब गुलखान इसमें लीप देने वाली है, जनरेशन लीप। भाई यही आखिरी मौका है, अगर इस मौके पे चौका लग जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो टाटा बाय करेगा। टीआरपी जो है लास्ट वीक तो 1.7 थी, इस हफ्ते तो कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई भैया, क्योंकि इमली की कहानी बदली, फैंस कंफ्यूजन हो गए ये करना क्या चाहते हैं। तो टीआरपी जो है 1.5 पे आ गई। अब बात आती है आपकी ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी तो राजन साई ने 2 स्टारों को फायर ही किया है, सुर्खियों में बने हुए ही हैं, अब फिर से सुर्खियों में बनने वाले हैं। सुनने में आ रहा है 5 साल का लीप दे देंगे, जहाँ पे भाई अभीरा की जो है एक बेटी दिखाने वाले हैं। अब भाई यही रह गया है, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो उत्पन्न हो गई है, अब बच्चे बुच्चे होंगे लीप देंगे, माँ बाप को अलग करेंगे फिर लीप देंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर लीप देंगे, माँ बाप को मार देंगे। तो ऐसे में टीआरपी जो है 1.87 हो गया है। तो आप बताइए, अगर टीआरपी इतना निकल कर आ रहा है और आईपीएल की अभी टीआरपी आई नहीं है, अगर ये आ गई तो तूफान ही मच जाएगा। तो ये जो है हमने टीआरपी नहीं दी है, ये टीआरपी अप्रैल फूल वालों ने दी है। तो कैसा रहा आपको अप्रैल फूल? ये अप्रैल फूल सच ना हो जाए, इसलिए वॉच ऑन टीवी विद एड। बाकी जानकारी के लिए डियर अप्रैल फूल मत बन जाना।